गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल एक्सपो के दूसरे एडिशन का आज समापन कार्यक्रम है। बता दें कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी वहां शिरकत की है। कार्यक्रम में एनसीआर के उद्योगपतियों का जमावड़ा लगा हुआ है। उद्योगों को बढ़ावा देने का यह प्लेटफॉर्म जो है इंडस्ट्रियल एक्सपो बना है। के गांधी और नवीन कटियार जैसे उद्योगपति इसमें शामिल हुए हैं। और ये गुरुग्राम से लाइव तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बता दें कि गुरुग्राम और एनसीआर के उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इंडस्ट्रियल एक्सपो के दूसरे एडिशन का आज समापन कार्यक्रम है और दुष्यंत चौटाला भी वहां पर पहुंचे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम में पहुंचे हैं, इस प्रोग्राम का वो हिस्सा बने हैं। एनसीआर के उद्योगपतियों का भी इस कार्यक्रम में जमावड़ा लगा हुआ है और ये सीधी तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आ रही हैं। उद्योगपति के गांधी और नवीन कटियार भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। गुरुग्राम और एनसीआर के उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। बता दें कि इंडस्ट्रियल एक्सपो के दूसरे एडिशन का आज समापन कार्यक्रम है और इस दौरान बड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी वहां पर पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आ रही हैं, जहां एनसीआर के उद्योगपतियों का भी जमावड़ा जो है इस कार्यक्रम में देखने को मिला। उद्योगपति के गांधी और नवीन कटियार भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। लड़ने से अच्छा मेजर वैली में रहा है। मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी पहल पूरी टीम द्वारा है कि एक ऐसी चीज जो दिल्ली के प्रगति मैदान में देखी जाती थी उसको उतने बड़े स्केल पर तो नहीं मेरे अच्छे स्केल पर गुड़गांव में लाने में हम कामयाब रहे। और मैंने आज निवेदन भी किया है क्योंकि इससे जब एक तरह के उद्योग एक पंडाल में आते हैं तो कई इनोवेशंस भी होती है और हम इसको हर वर्ष की बजाय क्वार्टरली इवेंट के तौर पे भी आगे देखेंगे। रिसेंटली हरियाणा सरकार ने भी ऐसे एग्जीबिशंस प्रमोट हो उसके लिए भी इंसेंटिव हमारी हीप में देने का काम किया है और मैं मानता हूँ कि उससे इंडस्ट्री को लाभ भी मिलेगा, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी मिलेगी और कंज्यूमर को भी एक ही स्पेस के अंदर अपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को देखने का खरीदने का अवसर मिलेगा। हमने एक्सपोज दुनिया भर के अलग अलग देशों में लगते देखे, हमारे देश के अंदर भी सिर्फ बड़े महानगरों में ऐसे एक्सपोज हुए, पर आज गुड़गांव में एक कदम उठाया गया है अपने आप में ऐतिहासिक। आपने कहा क्वार्टरली की है लेकिन जो परमिशन है या फिर और व्यवस्था होती है उसके लिए काफी परमिशन परमिशन एक जनरेटर की थी और जनरेटर पोल्यूशन आते ही आपको भी पता है। मैं तो ये हैरान हो जाता हूँ कि इजराइल गाजा में हर रोज बम फटते हैं, वहाँ पोल्यूशन नहीं है और हमारे यहाँ पर ऐसे ऑर्डर्स कर दिए जाते हैं और हमने उनको चैलेंज भी कर रखा है, उसके अगेंस्ट अपील भी कर रखी है, मगर जो प्रतिबंध लगाया है एनजीटी ने उसको ओवरलुक तो नहीं किया जा सकता। मगर हम रादर देन इस दिवाली सीजन में हो इसको अब एनुअल इवेंट जनवरी फरवरी के आसपास भी बना लेंगे जब प्रतिबंध ना हो और जनरेटर्स भी